हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसी दिन बात करने वाले हैं डिस्कवर और पैशन गाड़ी के बारे में। तो ये कंबाइन वीडियो होने वाला है दो गाड़ियों से रिलेटेड दोस्तों। तो इसमें हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाने के बजाय मैंने एक कम्बाइन वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और ये कम्बाइन इसलिए वीडियो क्योंकि दोनों का रीज़न एक ही था, एक ही प्रॉब्लम थी दोनों में गाड़ी में। बस ये था कि इस गाड़ी में थोड़ा अलग प्रॉब्लम हो रही थी और उस गाड़ी में कुछ अलग प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कवर गाड़ी में क्या हो रही थी, इसका करंट आ रहा था, पेट्रोल प्रॉपर था दोस्तों, और ये गाड़ी चलते चलते बंद पड़ रही थी। और जैसे आप एक्सेलेटर छोड़ देते तब ये बंद पड़ जाती थी, या गड्ढे में जाती थी तब बंद पड़ जाती थी, झटके लेती थी, थोड़ी झटके लेके बंद पड़ जा रही थी दोस्तों गाड़ी। आप जैसे ही एक्सेलेटर डाउन करते थे या गड्ढे में कोई गाड़ी जाती थी तो ये गाड़ी बंद पड़ जा रही थी। तो इसका इसमें और दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा पैशन गाड़ी में क्या हो रहा है। तो उस गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों, उसमें करंट नहीं आ रहा था। तो वो भी हमने कैसे सॉल्व किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रहा था इसका हमने देखिए, आइडलिंग वगैरह, स्क्रू वगैरह सब एडजस्ट कर दिया था, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो ही रहा था। प्लग वगैरह चेक कर लिया था। तो एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये हमने इसका टंकी निकाला। अगर आपका ध्यान जाए तो आप किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अगर आपकी गाड़ी झटके ले या मतलब आपकी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो आप सोचेंगे कि चाबी स्विच वगैरह का प्रॉब्लम होगा या वायरिंग का कोई प्रॉब्लम होगा। तो वायरिंग से रिलेटेड देखिए दोस्तों, आपका जो बाटला कॉइल का वायर होता है वो भी कभी कभी क्या होता है, सड़ जाता है। अगर आपके बाटला कॉइल से जो वायर आता है, मतलब इग्निशन कॉइल से इग्निशन कॉइल जो होता है उसमें से जो वायर आता है आपके स्पार्क प्लग तक, वो अगर इग्निशन कॉइल में प्रॉपर तरीके से बैठा ना हो या उसमें जंग पकड़ लिया हो उसके वायरिंग में, तो वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जॉइंट नहीं रहेगा और झटके लेगी आपकी गाड़ी। क्योंकि इसमें क्या होता है, दो स्पार्क प्लग होते हैं डिस्कवर में, तो दोनों तरफ के आपके जो इग्निशन कॉइल है प्रॉपर होने चाहिए तभी आपकी गाड़ी प्रॉपर चलती है। तो इसमें वो प्रॉब्लम थी कि उसकी इग्निशन कॉइल की प्रॉब्लम थी दोस्तों, उसकी इग्निशन कॉइल की वायर सड़ गई थी और वो जॉइंट से थोड़ा निकल गई थी, तो इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। और ये देखिए, ये हमारे पास पैशन गाड़ी है, इसमें देखिए हमने रेक्टिफायर वगैरह सब चेक कर लिया है, वायरिंग भी चेक कर लिया और इग्निशन स्विच भी हमने चेक कर लिया। तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। और ये देखिए, जो इसका ये वाला वायर है देखिए, अर्थिंग वाला जो इग्निशन कॉइल का, देखिए जैसे बाटला कॉइल भी कहते हैं और इग्निशन कॉइल भी आप कह सकते हैं, इग्निशन कॉइल, ये देखिए इसका जो अर्थिंग का वायर है वो टूट गया था दोस्तों, जिसकी वजह से, क्योंकि ये सड़ गया था, अर्थिंग का जो वायर है जिसका इग्निशन कॉइल का जो सॉकेट निकला था वो टूट गया था इसमें से। तो ऐसा आप टच करके हम देखते हैं ऐसा आ रहा है कि करंट के नहीं आ रहा है। अभी आपको ऐसे दिखा देते हैं पहले डेमो के तौर पर के प्रॉब्लम एग्जैक्टली इसी की थी कि नहीं थी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मारेंगे हम करंट नहीं आएगा दोस्तों। बॉडी पे हम देखिए इसको लगा कर देखते, और फिर भी हम करंट देखिए आए, तो इसमें करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए इसका प्रॉब्लम है, इसका जो ये यूनिट है ख़राब हो चुका है, ये दूसरी जो पिन है वो पूरी तरीके से टूट गई है, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने नया देखिए बाटला कॉइल लाया है दोस्तों, और अभी हम इसे लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और ये छोटी सी चीज़ नहीं चेक करते, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आप लोग भी बाकी चीज़ें चेक करने से पहले इसे भी चेक कर लें। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है, चाबी स्विच से भी प्रॉब्लम होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों। ये देखिए, इसमें करंट आ चुका है दोस्तों।
तो दोनों गाड़ी प्रॉपर हो गई है दोस्तों। ये बैडलॉक इग्निशन मासी का प्रॉब्लम आपके साथ में भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।